सुरनाम सारी संसार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दौंदरदाख फिर मार्ट है, बेपे का दिन है, मार्ट के 4 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम। बहुत चर्चा हो रहा था SLM बेजीफ हवाई जहाज के बारे में, जिस वक्त वो अमेरिका से सांदराई पे पहुंचा था। ये हवाई जहाज को सांदराई से उड़ा करके और आमस्टरडम में ले आए उसको कंट्रोल करने के खातिर। तो यहाँ पे अंदर सुख से पता चला कि यह हवाई जहाज बहुत गड़बड़ी है। आज के खबर बता रहे हैं कि यह हवाई जहाज आमस्टरडम से उड़ा करके फ्रेंडस्टाटन में पहुंचा दिए हैं और कैलिफोर्निया के फैक्टर फिल के एयरपोर्ट में ठहरे हुए हैं। टेक्निक समुद्र हौद में पता चला कि रेपरासी में ज्यादा पैसा खर्चा होगा और हो सकता कि एक मोटर को भी बदलना पड़ेगा। SLM के अंदर अब बात हो रहा है ये हवाई जहाज को बोइंग के पास लौटा देने के लिए। इस वक्त SLM के खातिर तो एयर बेल्जियम उड़ान कर रहा है मिड अटलांटिक सफरी रूट पर। SLM बेजीफ फन आउट आमस्टरडम तरह फ्लोखनर फॉर इंडस्टाटन Wegens grote kostenpost voor reparatie en vervangen van een van de motoren, Suriname Airways het besluit genomen om de vliegtuig teruggave van B77 van Boeing in te zetten. Surinaamse staatsbedrijven met kaun kisam ke kaam hota hai, aur kaun kisam ke samaan exporteer ki jati hai, ya to exporteer kar sakte hain, to zaruri tha iske baare mein President Sri Chandrika Prasad Santokhi ko pura jankari dene ke khatir. Distinguished Boss Bahir and Boss Tusek se jab baat hone laga, to ye baaton bhi maujood the. Vice President René Brunswijk, ook grondbeleid en bosbeheer minister Diana Poki. To stichting bosbeheer bos toezicht se jab baat hui hai, to isme baat pata chala ke har baras itna lakdi Suriname se pradesh exporteer ki jati hai ke har baras Suriname ke sarkar ko 130 million US dollar सरकार को नहीं मिलता है। किसने ये पैसा लेता है और किसने ये हाउस एक्सपोर्टर करते हैं, इसके बारे में जरूरी है कि अच्छी तरह से अंदर सुख किया जाए। SBB हाउस एक्सपोर्ट मेट प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। COVID-19 वेबसाइट पे खबर है कि कल यहाँ 1,86 कोरोना टेस्ट किया गया, तो इन लोगों में से 3 यानी 14 जना को कोरोना बीमार कर दिया है। 173 जना वफात पाए हैं, 4 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, 24 घंटा के अंदर में 13 जना अच्छा हो गए, घर चले गए। 30 जना इसलासी में दाखिल हैं। नीदरलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटरस्टाट के मिनिस्टर कोरा फान न्यूनहाउजन ट्विटर कामर को बताया कि जोइट अमेरिका के मुल्कों की जनता के मनाही है नीदरलैंड आने के लिए, वो भी अप्रैल के 1 तारीख तक। इसमें तो सूरीनाम भी मौजूद है। Vlieg verbod naar Nederland vanuit Suriname is verlengd tot 1 april. Door daken ka dubbel pech hua hai. Pehla pech hua hai jab ek aurat ke gatai mein se sona ka chain nocha to chor ke haath mein se wo chain gir pada, phir usko utha na saka.
ब्रॉन्फिस तेज चला करके भागने लगे तो फ्रांसुपानस्त्रात और बेंदास्त्रात के होक पर एक औतो ये ब्रॉन्फिस को कुचल दिया। तो दोनों चोर ब्रॉन्फिस छोड़ करके भाग गए। पता चला कि ब्रॉन्फिस में कैंते के मौजूद नहीं है, हो सकता है कि ब्रॉन्फिस भी चोरी किए हुए हो गए। सिपाही ब्रॉन्फिस को बसलाख में ले लिया। अब वो दोनों चोर के खोज में हैं। तो ये रोफर्स अपन ब्रॉन्फिस है बवुंसदाख इन सुरिनाम कोर्ट अख्तर अलकार डबल पे खात इस मिसलुक तहत अन फ्रॉ फन हर हाउस कटिंग टू बरोफा एंड दाना werd het zij aangereden door een auto. Nederlandse zes en zes zeilers Suriname rivier ke monding pe pahunche the mangalwar maart ke 2 tarikh ko to taajub ke saath dekhen ke brown point ke strand par se teen daku teen chor khrun zeis khilpadan ke anda chura rahe hain। ये लोग छोटा बोट में जिस तरह पे गए ये लोग के देखते ही ये लोग भागने लगे ताश लेकर के। ये लोग उनको पीछा किया तो डर के मारा वो ताश छोड़ करके और भाग गए। ये लोग ने ताश उठा करके फिर ले आए उसी दर पर इधर उधर अंडा को वो स्त्रांत पे गाड़ दिया जिस तरह से एक स्केल पात गाड़ करके और समुन्द्र में चला जाती है। Zee zeilers uit Nederland betrappen schildpad eieren dieven op Brandspunt. Prinsenstraat se ek aurat auto chalate Zwartenhoven Brustraat mein jab jaane laga to dekha ek auto bahut tez mein chale aata hai। ये इतना डरा गया कि उनका हाथों में से स्टीयर छूट गया। उनका ऑटो तो एक दुकान के दीवार में या धक्का मार करके वहां पर रुका। सिपाहियों के मालूम था कि जेमी का एक पक्का चोर है और उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। जब ये लोग के मालूम हुआ कि जेमी मेहरारू बिना नजर पाता है तो एक सिपाही मेहरारू कपड़ा पहनकर जिसे ट्रांसखंदर कहते हैं उनके आमने सामने जब लपक लपक चला तो जेमी लुभा गया। जेमी उनको सोना के चेन पहनाने के खातिर एक औरत के गटे में से सोना करने चेन नोच करके जब उनको पहनाने लगा तो यह ट्रांसखंदर सिपाही चुपके से अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए अपना कोलेखा सिपाही को खबर कर दिया। सिपाहियों आया दोनों जना गिरफ्तार कर लिया। जेमी को न पता चला कि उनका नया फ्रेंडेन एक मर्दाना है और ऊपर से एक सिपाही है। हेनाथ पौलर के बदरेव एक ससंफित हथियार 46 बरस की यही का को वाख्तर के काम दिया था उनका सब सामान्य रखवाली करने के खातिर कि कोई चोरी न कर सके। तो पता चला मिदलांस पौलर में से एक ट्रैक्टर जहां खड़ा था उनका मोटर किसी ने निकाल ले गया और तमाम खरीद खापन किसी ने उठा ले गया। तो सिपाही को बुलाए। सिपाही ये का को देखते ही पहचान लिया कि ये तो जानी पहचाने पक्का चोर है। तो बाद में पता चला कि यही मोटर निकलवा करके बेचा, यही वो खरीद खापन चोरा करके बेचा। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सुरिनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। बॉन्स कंसलियर एंगेला मर्कल डॉयसलैंड के 16 दिल स्थातन के बुर्खमेस्टर के साथ 9 घंटा आपस में बातें बहस करके फैसला कर लिए हैं कि कोरोना वायरस अभी खत्म तो नहीं हुआ। यही कारण लॉकडाउन 28 मार्च तक यानी कि मार्च के 28 तारीख तक तो बढ़ा दिया गया है। कोरोना मातरीकरण भी सरा से ढीला कर दिया है। टेन सेंट्रा ब्लूमन वेंकल जनता के लिए खोल सकते हैं और जिस रेशियोस में कोरोना बेसमेंट कमती है यानी कि 100,000 जनता में से अगर 50 जना कोरोना बीमारी किया तो वहां के दुकान भी खोल सकते हैं। बोलोविया के शहर लापास के नजदीक एक यूनिवर्सिटी है।
तो यह यूनिवर्सिटेट के चौथवा मंजिल पे यानी तीर्थ इताश पे के खांग पर तमाम स्टूडेंट खड़े हुए थे अवला जाने के खातिर। आपस में दिल लगी खिलवाड़ करने लगे, खींचा खांची धकेलने लगे, तो खांग के बगल में जो एक रेलिंग मौजूद वो टूट गया, तो तमाम स्टूडेंट नीचे धरती पे गिर पड़े। 7 जना के मौत हो गया, 5 स्टूडेंट बहुत चोटा गए हैं। In Bolivia, Saint Joseph student and Omet leef gekomen en 5 studenten ernstig gewond na een val van een 4e verdieping. Het ongeluk gebeurde op een universiteit vlakbij de stad La Paz. Het internationaal strafhof Adalat Ghana, jo Den Haag mein hai, onderzoek karne wala hai, पैलेस्टाइन के इलाका गाजा स्ट्रोक और योर्दान ऊपर में जहां इसराइल ने इस वक्त कब्जे में कर रखा हुआ है कि वहां ओलोक मिसदादन कौन लोगों ने किए हुए हैं। तो इसराइल ये खबर सुन करके बोले कि इंटरनेशनल स्ट्राफ ऑफ अदालत को वो लोग तो मंजूर नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, और हो सकता कि 7 इसराइलीतन के अंदर में अंदरसूक करेंगे, तो ये बात बिल्कुल वो लोग के पसंद नहीं है। इसराइल एरकेंट एट हॉफ ऑन देन हाफ नीट मार Zij eerder te vrezen dat 100 Israëliërs zouden worden ondervraagd. Tsjechië met 21.000 coronapatiënten die hand ho gaye hain, pura desh mein 3 million niwasi rehte hain, aur 8162 coronapatiënten to aspataal mein dakhil hain. 1660 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। तो अब शेखिया के बिनवंस साकन के मिनिस्टर हामे शेख बोले यूरोपा से कि उसको फौरन मदद की जरूरी है, ये लोग अब नहीं संभाल पा रहे हैं, अस्पताल में अब जगह भी नहीं रह गया है, ये लोग के भी मटेरियलन के भी जरूरी है। तो पोलन फौरन 200 बेडन भेजा है, स्विट्जरलैंड 20 बेडन है, डच्चलैंड 19 बेडन भेज दिया है। म्यांमार में जब से फौजियों ने कुप करके हुकूमत छीन लिए हुए हैं, वही दिनों से रोजाना हजारों जनता रास्ता पर निकल पड़े हैं डेमोस्ट्रेट करने के खातिर। प्रेस ब्यूरो रॉयटर्स खबर किया है कि ऑर्डो त्रोपन अख्तन दर्तख डेमोस्ट्रांटन को बंदूक से दा करके मार डाला है। ये बीते हुए एतवार को 18 डेमोस्ट्रांटन को दा करके मारा गया है। ब्रिटिश प्रिंस हारी के औरत मेगम के बारे में अंदरसूक करना शुरू कर दिए हैं। इल्जाम है कि ये कॉन्स हाउस के कमकर्तन के ऊपर बहुत जुलूम करती है। 2 कमकर्तन तो मायूस होकर के नौकरी छोड़ करके चले गए हैं। अल जजीरा अमरूप खबर किया है के पिछले बरस अरब मुल्क में तो लोगों ने हज करने के लिए नहीं जा पाए थे, सिर्फ अराबीरन के इजाजत था। तो अब इस बरस के बारे में कहा जाता है कि हज पर लोगों ने जा सकते हैं, लेकिन पहले उनको तो इन एंतंग करवाना जरूरी है। जिसको फक्सीनासी न मिला है वो नहीं जा सकता है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। कोरोना क्राइसिस के कारण ज्यादा नौजवान लोगों बेकार यानी कि वर्कलोस हो गए हैं, जिन लोगों का उम्र 15 बरस से लेकर 25 बरस तक है। ये यौवन काम करते हैं एसएन ब्यूरोस से या तो बेईमान चाहे हो रहे कब्रेफन में। सेंट्रल ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक बताया कि 3 दर्जन यौवन के फास्तबान नहीं है। नीदरलैंड में 2 मार्च के 15 तारीख को चुनाव किया जाएगा।
पेलिंग वेजर इप्सोस ई एन ओ रिसर्च और कमतर बताए हैं कि फेफी दे के सबसे ज्यादा स्टेमन मिलेगा सीवन दर्द तक से लेकर इन फेट जेटल्स फेफी फे के जीवन तीन जेटल से लेकर ट्वेंटी सेटल्स मिल सकता है सीधे आ के सीवन तीन सेटल्स से लेकर निगन सेटल्स पढ़ते फंद अरबेट ग्रूनलिंग्स द एस पे और एक नया पॉलिटिकल पार्टी हैड पन यूरोपियस फोल्ड को नौ से लेकर द्री सीटों तक मिल सकता है। नीदरलैंड के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कमोबेश 15 पार्टियां मिलकर के रखेरिंग में हुकूमत करेंगे। नीदरलैंड के आधा जनता से ज्यादा जनता चाहते हैं कि रेस्तरां के तर्रासन खोल दिया जाए जनता के वास्ते। 95% जनता चाहते हैं कि कोरोना मात्रे खलन जरा सा ढीला कर दिया जाए। 3% जनता का कहना है कि कोरोना मात्रे खलन का जरूरी नहीं है। 90% जनता चाहते हैं कि कोरोना मात्रे खलन और कड़ा कर दिया जाए। कारण यह है कि कोरोना वायरस बरसन तलक रहेगा। सीडिया और देश सस्तक आज कामर में एक मौसी पेश करेंगे कि ख्रोनिंगा में कैरन संतराल नहीं बनाया जाए। ख्रोनिंगा में जो खास जहाँ निकाला जाता है तो वहाँ की जनता बहुत तकलीफ से हैं। भूमिडोल होने के कारण का घर वगैरह सब बर्बाद हो गया है। तो आप खबर करते हैं कि यह मौसी के जरूर लोगों ने और स्वीकार करेंगे जिसे एसपे ग्रूनलिंग्स और पटाइफंड अरबेट। पिछले बरस ट्वेंटक में सिपाहियों ने एन होंदत आख ड्रग्स लेबोरेटोरियम को उजाड़ दिए थे। उसे एक बरस पहले यानी 2019 में नेखन तक ड्रग्स लेबोरेटोरियम को उजाड़ थे जहां इन लोगों ने क्रिस्टल मेथ ड्रग्स बना रहे हैं। ट्वेंटक दर्तक में न साल 2030 में सब नया ऑटोस इलेक्ट्रिक ऑटोस हो जाएगा। अभी तो 400 परकेर खराशे में कमती लात पाल मौजूद या है नहीं तो देमशनेर मिनिस्टर फॉर फेल होफन ये लात पाल के बारे में सबसे बातें कर रहा है कि कितना लात पाल होना जरूरी है। तो कहते हैं कि एक खराश में 10 लात पाल जरूर हो जाना चाहिएगा। सरकार के मालूम है कि क्रिमिनेलन तो बहुत आसानी तौर पे अपना रोजगार करते हैं जहाँ ब्लूमन हामदल होता है, जहाँ ब्लूमन फेलिंग वगैरह होता है तो ये क्रिमिनेलन वहाँ पे अपना दुरुस्त धंधा करते हैं। अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूँगा। और आज के लतीफा इस तरह से है। एगो आदमी अपन घर टेलीफोन करे, बदिंद टेलीफोन उठाइस। आदमी बदिंद से पूछे, हमार औरत आ गए घर? तो बदिंद बोले, ना मने तोर औरत अबे ना आयला घर है, मर जाऊ तू चिल्लाहट सुने है तोर औरत के आवाज होना है, पापा खेवा उतना चिल्लाहट मचावे है। हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।